हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रिमी। आप सबके इतने लव एंड सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो पे आप देखेंगे ये बहुत ही प्रीटी वन स्ट्रोक शेडेड फ्लावर पेंटिंग। इस पेंटिंग को मैंने एक ड्रेस के ऊपर किया है। एक्चुअली इसकी कटिंग स्टिचिंग कुछ भी नहीं हुआ है। आप इस पेंटिंग को कोई भी टॉप के ऊपर या फिर कुर्ती या सूट के ऊपर भी आप कर सकते हैं। डोंट वरी, ये कलर कुछ भी नहीं होता है, मतलब आफ्टर वॉश। और इस पेंटिंग को अगर आप देखना चाहते, ये मैंने बहुत दिन, शायद 1 मंथ तो हो गए इसको मैंने डाली थी। ये भी बहुत खूबसूरत है, आप चाहे तो इसे भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे। और आप देख सकते हैं मेरी पीछे जो मेरी वॉल पेंटिंग है, ये भी पोटैटो ब्लॉक से मैंने बनाई थी। इसको भी आप चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं यहाँ सारे एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ और पिंक एक्रेलिक कलर। और ब्रश के लिए मैं फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ। ब्रश के एक साइड पे वाइट और दूसरे साइड पे पिंक कलर लेके हमें ऐसे कलर को ब्लेंड करना है ऐसे। अब यहाँ हमें फ्लावर की पेंटिंग करना है। मैं यहाँ पहले से पेंसिल से आउटलाइन कर लिया है। आप भी पहले ऐसे आउटलाइन कर सकते तो पेंटिंग बहुत आसान होगा। एक फ्लावर में 5 पत्ती होंगी ऐसे। पिंक कलर को मैंने इनर कॉर्नर पे यूज़ कर रही हूँ ब्रश के, और वाइट को आउटर साइड पे। एक फ्लावर बन गई। अब हमें नेक्स्ट फ्लावर की पेंटिंग करना है ऐसे, सेम प्रोसीड्योर से। ये कलर मार्केट में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगी या फिर आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप चाहे उसे देख सकते हैं। मैंने यहाँ बोट नेक ड्रेस के ऊपर कर रही हूँ। आप राउंड नेक के ऊपर भी कर सकते हैं। कलर आपके पसंद यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी ड्रेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने यहाँ कॉटन की फैब्रिक यानी कॉटन का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप रेयन सिल्क या फिर कोई भी सिल्क का फैब्रिक यूज़ करते हैं तो फिर आप नॉर्मल ये एक्रेलिक कलर से आप पेंट मत कीजिए। इसके लिए आपको पार्ल मेटेलिक कलर से कलर करना होगा। अब यहाँ हमें दूसरे कलर से फ्लावर की पेंटिंग करना है। यहाँ आप देख सकते हैं जहाँ पिंक कलर थी, सेम उस जगह पे मैंने स्काई ब्लू एक्रेलिक कलर से कलर कर रही हूँ। आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैंने कोई शेडेड फ्लावर की पेंटिंग की वीडियो बनाओ। आई होप आप सबको इस वीडियो बहुत अच्छी लगी और हेल्पफुल रहे इस वीडियो आपके लिए। आफ्टर पेंटिंग ये कलर कुछ भी नहीं होता है, बस आपको कुछ मतलब मेंटेन करना है, थोड़ी सी ध्यान रखना है आपको। जैसे आप कभी भी मशीन वॉश ना करें ड्रेस को, और ऐसे पेंट करने के बाद 24 आवर्स ड्रेस को ऐसे ही छोड़ दें, कुछ मत कीजिए, बस 24 आवर्स के लिए ड्रेस को ऐसे रख दीजिए। और फिर नेक्स्ट दिन 24 आवर्स के बाद उसके बैक साइड पे, जहाँ पे हमने कलर की उसके बैक साइड पे हमें एक बार प्रेस कर लेना है, तो फिर कलर अच्छे से बैठ जाएगी। अब इस दो फ्लावर के बीच में भी हमें इस कलर से फ्लावर करना है। एकदम कलरफुल बन जाएगी फिर। और फिर 72 आवर्स के बाद आप ड्रेस को वॉश भी कर सकते हैं, कलर कुछ नहीं होगा। मैं कभी भी कलर में मीडियम यूज़ नहीं करती हूँ। यहाँ हमें पूरे फ्लावर तो नहीं बनेगी, इसलिए मैं सिर्फ दो पत्ती बना रही हूँ। यहाँ पे उतना भी जगह नहीं है, आप देख सकते हैं। यहाँ पिंक कलर से करूँगी। और যদি তোমরা বাঙালি হও তাহলে আমাকে বাংলাতে কমেন্ট করতে পারো, কোনো ব্যাপার না। যেটা জানতে চাও আমাকে বলতে পারো।
अब जहाँ हमें जगह थोड़ी खाली लग रही वहाँ एक दो पत्ती आप ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे नहीं मैंने जहाँ पर बना रही हूँ आपको सेम उस जगह पे बनानी है, ऐसी कोई बात नहीं। जहाँ आपको ज़्यादा गैप लगे तो वहाँ आप एक दो एक्स्ट्रा लीफ पत्ती बना सकते हैं। एक्रेलिक कलर्स में बहुत सारे शेड्स हैं, है ना, बहुत ही आसान। अब अपने ड्रेस के ऊपर ज़रूर ट्राई करना। अब हमें यूज़ करना है लेमन येलो एक्रेलिक कलर और मैं यहाँ 0 नंबर राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ। ये भी सेम एक्रेलिक कलर में यूज़ कर रही हूँ। आप पार्ल मेटेलिक कलर से आप कॉटन के कपड़े के ऊपर भी कर सकते हैं। पार्ल मेटेलिक कलर क्या है, वो थोड़ी शाइनी है, उसके अंदर ग्लिटरी शाइन है तो वो बहुत खूबसूरत है। मेरी एक ब्लॉग की चैनल है जो कि एकदम नई है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपको आप उसे एकदम ज़रूर देखिए। और हमारा एक बांग्लाते ब्लॉगर चैनल आछे, तुम्हारा वोटा देखते पारो, लिंक देखो डिस्क्रिप्शन में आछे। और अगर आपको इस कपड़े को कैसे मेंटेन करें आफ्टर पेंटिंग, इसके लिए मैंने 2 वीडियोज़ हैं मेरी, आप चाहे तो उसे भी देख सकते। दोनों वीडियोज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। यहाँ जो मैं बना रही हूँ अभी येलो कलर से थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी ब्रांचेस, इसके लिए मैंने कोई पहले से आउटलाइन नहीं की। इस डिजाइन में कोई लीव्स नहीं होंगी। यहाँ भी मुझे थोड़ी खाली लग रही तो यहाँ भी बना दूंगी। अगर आपको इस वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। अब यहाँ आप ब्लैक एक्रेलिक कलर से छोटे छोटे फ्लावर के अंदर डॉट्स कर सकते। मेरे पास ये कोन था इसलिए मैं इसके यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ऐसे कोन नहीं है कोई बात नहीं, अब ब्लैक एक्रेलिक कलर लीजिए और ब्रश के बैक साइड पर कलर लेके आप ऐसे छोटे छोटे डॉट्स बनाइए। ऐसे आप देख सकते हैं बस छोटे छोटे स्मॉल डॉट्स ऐसे। अब यहाँ हमें व्हाइट कलर से ऐसे छोटे छोटे डॉट्स करना है यहाँ। आई होप आपको इस वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आई एम सॉरी, मैंने इस वर्ड को पहले एक बार बोल चुकी हूँ, आई एम सॉरी। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। यहाँ भी ये मैंने व्हाइट एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। इस डिज़ाइन में मैंने ज़्यादा कलर यूज़ नहीं की, आप चाहे तो कर सकते हैं, इसके लिए आप दूसरा कलर यूज़ कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं कि मैंने यूज़ नहीं की तो आप यूज़ कर सकते। ये तो कंप्लीट हो गई है ना, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वेरी गुड डे एंड स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। बाय।